नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं न्यू ब्रेजा 2022 के बारे में। न्यू ब्रेजा की कुछ इमेजेस और सामने आ गई हैं, जिससे और ज्यादा इसके लीक्स का इमेजेस का पता लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मारुति अपने कार का इस ब्रेजा का रूमर क्रिएट करती जा रही है, अब लॉन्च होगी, वैसे वैसे इसकी हाइप मार्केट में बढ़ाती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे किसी कार का लॉन्च का डिले होता है या कंपनी को ज्यादा हाई बनाते हैं, तो उसके सेल्स फिगर उसी तरह बढ़ने लगते हैं, जिस तरह XUV 700 के साथ हुआ, नई स्कॉर्पियो के साथ हो रहा है, तो इसी तरह मारुति ब्रेजा के साथ गेम खेल रही है। आइए चलिए देख लेते हैं एक्सटीरियर में क्या क्या इस बार ब्रेजा में आपको मिलने वाला। एक्सटीरियर में जैसे ये इमेज देख ही रहे हैं, आपको कुछ बहुत सारी चीजें बदलाव दिख रहे होंगे, डायमेंशन बदले हुए दिख रहे हैं, टेल लैम्प, हेड लैम्प और आपको साथ में अलॉय व्हील्स भी बदले हुए दिख रहे हैं। आपको न्यू ड्यूल प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिलेंगे इस बार न्यू ब्रेजा में। अब विटारा नाम तो बिल्कुल ही हटा दिया गया गाड़ी से, सिर्फ न्यू ब्रेजा 2022 ही इस बार रहने वाली है। फ्रंट से देखेंगे तो आपको नीचे रेडिएटर ग्रिल बम्पर और नीचे फॉग लैंप भी चेंज कर दिए हैं। फॉग लैंप यूनिट पे आपको इस बार प्रोजेक्टर फॉग लैंप मिलने वाले हैं। ये आपको टॉप एंड मॉडल मिलेंगे, ना कि बेस मॉडल में। उन पीछे रियर से आपको बिल्कुल ही ब्रेजा बदल दी गई है। पीछे आप देख रहे हैं जैसे ब्रेजा की बैजिंग है, तो इसी तरह विटारा नहीं आने वाला, ब्रेजा ही आएगा। पीछे से आपको टेल लैंप भी बदले हुए मिलेंगे, बम्पर भी बदले हुए मिलेंगे। पर हाँ, अगर आप बम्पर से ऊपर बूट के ऊपर देखेंगे तो ऊपर से कुछ सिमिलर देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे रियर विंडशील्ड पे। अब इंटीरियर देख लेते हैं। सबसे पहले इंटीरियर में मैं अगर बताऊं तो आपको इस बार जो आपकी नई ब्रेजा है वो सी प्लेटफॉर्म पर बेस होने वाली है, जो ग्लोबली इनका चलता है, हर टैक पर नहीं होगी। और दूसरी चीज, इस बार इन्होंने AMT हटाकर 6-speed टॉर्क कन्वर्टर अपनी न्यू ब्रेजा में शिफ्ट कर दिया है। अब 22 अप्रैल को इनकी न्यू अल्टिगा लॉन्च हो रही है, उसमें भी इन्होंने 6-speed टॉर्क कन्वर्टर दिया AMT को, AMT 4-speed को रिमूव कर दिया। तो वो भी चलो अच्छी चीज़ है कि सभी गाड़ियों में एक जैसी चीज़ें दे रहे हैं, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। अब न्यू बलेनो जैसी स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम मिल जाएगा, जो पुराने वाला है वो रिप्लेस कर दिया है, जो मुझे सही मायने में इसकी जो क्वालिटी है वो सही मायने में कहीं ना कहीं बेहतर है पुराने वाले के अकॉर्डिंग। अब देख सकते हैं आप जो इसकी स्मूथनेस है, जैसा बलेनो में इस बार आया है तो उसकी स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और फीचर की अगर मैं बात करूँ, ये बिल्कुल HD डिस्प्ले में आता है और 9 inches का रहने वाला है। आपको 360 कैमरा मिल जाएगा इस बार, आपको 360 व्यू कैमरा देखने के लिए ब्रेजा 2022 में ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि जैसा इन्होंने अपने उसमें दिया था बलेनो में, सेम इसी तरह देने वाले हैं। और आपको HUD डिस्प्ले भी इस बार न्यू ब्रेजा में आपको देखने के लिए मिलेगी। आपको साथ ही साथ सनरूफ का फीचर भी इस बार बलेनो में ब्रेजा में देखने के लिए मिल जाएगा। इंजन की बात करूँ तो इंजन इसमें इस बार आपको 1.5 liter KB सीरीज का मिलने वाला है, मतलब कि पहले K सीरीज आता था, K15B, इस बार आपको K15B सीरीज का इंजन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, जो परफॉर्मेंस के मामले में कई मायने में अच्छा है। और इन CNG के साथ भी इस बार ब्रेजा लॉन्च होगी, तो सेम इंजन आपको अल्टिगा में जो देखने के लिए मिलता है, सेम ही वही डाला गया है, क्योंकि वो थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और CNG में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देगा। तो वही जो आपको पावर फिगर्स न्यू अर्टिगा में देखने के लिए मिलते हैं, वही सेम पावर फिगर्स इस बार आपको न्यू बलेनो ब्रेजा में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। बलेनो याद आ रहा है, क्योंकि बलेनो जैसे फीचर ही इन्होंने न्यू ब्रेजा में दिए गए हैं। अब फिगर्स तो आपको सेम वही अर्टिगा वाले सेम बलेनो में मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, K15B सीरीज का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। क्योंकि जो पहले एमिशंस आते थे उनमें थोड़ा सा बदलाव करके इन्होंने अब पावर को बढ़ा दिया है, और क्या कहते हैं न्यू एवरेज को भी बढ़ा दिया है न्यू ब्रेजा की एवरेज, क्योंकि एवरेज बढ़ेगी तभी तो लोग CNG की तरफ शिफ्ट होंगे। जैसे जैसे CNG के भी प्राइस हाइक होते जा रहे हैं, तो लोगों का थोड़ा सा इस मामले में मूड बदलता रहता है कि CNG बजाएं पेट्रोल बजाएं, क्योंकि सेम ही फ्यूल अब प्राइस होते जा रहे हैं। CNG भी गुड़गांव में 78-79 के आसपास पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। पहले अगर मैं ब्रेजा की बात करूं तो पहले 7,70,000 इसका प्राइस था, अब इंक्रीजिंग प्राइस तो लगभग 60,000-70,000 रुपये हो जाएगा, और इसका एक शोरूम प्राइस लगभग 8,40,000 रुपये तक पहुँच जाएगा। अब वही जो CNG की बात करता हूँ, तो CNG भी LXi और VXi ट्रिम्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ी महंगी गाड़ी है। तो अब जब नॉर्मल मॉडल की बात करूँ तो इससे 90,000 रुपये और CNG में आप ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आपको लगभग 9.5 lakh रुपये तक इसका CNG का वेरिएंट मिल जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।